एक सोल्जर और एक प्रेग्नेंट लड़की एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। उस लड़की का पति उसे छोड़कर चला गया था, अगर इस तरीके से वो घर पर जाती है तो उसके फादर उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सोल्जर फिर उसका हस्बैंड होने का नाटक करता है और उसके घर जाता है। अब आगे क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी अ वॉक इन द क्लाउड्स इन 1995 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर पॉल को वॉर से वापस आता हुआ देख सकते हैं। 4 साल पहले अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले उसने शादी की थी। उसकी वाइफ का नाम था बेटी। उसे लग रहा था कि उसकी वाइफ उसे पिकअप करने के लिए आएगी पर वो आती ही नहीं। उसने इसके बारे में उसे लेटर लिखा था। बेटी कहती कि मुझे पता ही नहीं था कि आज तुम आने वाले हो। पॉल पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे लेटर मिले नहीं। बेटी कहती है कि अपने लेटर में तुम हमेशा वॉर के बारे में लिखा करते थे, ये सब बातें पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता तो इस वजह से वो कभी भी पढ़ती नहीं थी। ये बात सुनकर पॉल को बुरा लगता है पर इसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। बेटी खुद को इम्प्रूव करने के लिए आजकल सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रही थी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे जॉब के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है, तुम चॉकलेट बेच सकते हो। पॉल कहता है कि अब मुझे चॉकलेट सेल नहीं करने। अपनी न्यू लाइफ उसने अलग तरीके से इमेजिन की थी, ये सारी चीज़ें वो अपने लेटर में लिखता था। बेटी ने कुछ भी पढ़ा नहीं था तो इस बात से उसे बहुत ही अपसेट लग रहा था। वो चॉकलेट बेचने से मना करता है तो बेटी उससे अपसेट हो गए पर पॉल उसे मना लेता है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। अगले दिन वो चॉकलेट सेल करने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की से वो मिलता है जिसका नाम था विक्टोरिया। विक्टोरिया को अपना बैग रखने में ज़रा प्रॉब्लम हो रहा था तो उसे हेल्प करने लग गया पर बैग नीचे गिर जाता है। इसमें विक्टोरिया और उसके फादर की फ़ोटो थी तो विक्टोरिया बहुत ही डर गई। वो कहती है मेरे फादर मुझे मार डालेंगे। पॉल कहता है कि इसके बारे में ज़रा वरी मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रेन का ब्रेक लगा और ये दोनों एक दूसरे पर गिर गए। पॉल उसे उठने में मदद करता है और विक्टोरिया ने उसी पर उल्टी कर दी। ये पॉल का आर्मी का यूनिफॉर्म था तो जाकर इसे साफ करने लगता है। टीसी ने पॉल का टिकट चेक किया तो पॉल को जहाँ पर जाना था उसके पिछले स्टेशन का टिकट है। विक्टोरिया के पॉल पर उल्टी करने की वजह से सब लोग को उसकी बास आ रही थी। वो वापस आता है तब तक विक्टोरिया सो चुकी थी। पॉल ने भी सोने की कोशिश की पर उसे वॉर के बहुत ही बुरे सपने आते हैं। उसकी आँख खुली तो स्टेशन आ गया था और विक्टोरिया चली गई थी। वो जल्दी से भागकर एक बस में चढ़ जाता है। इस बस में विक्टोरिया थी, उसे सॉरी कहती है। पॉल ने कहा कि इसके बारे में ज़्यादा वरी मत करो। विक्टोरिया ने पॉल से पूछा कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। पॉल अपनी डेस्टिनेशन बताता है तो विक्टोरिया ने कहा कि वहाँ पर तो ट्रेन जाती है, तुम्हें बस में चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पॉल ने कहा कि मेरे टिकट में कुछ गड़बड़ हो गई थी। विक्टोरिया रियलाइज़ करती है कि जब पॉल उसे हेल्प कर रहा था तो उनके टिकट भी इंटरचेंज हो गए थे। उसे पॉल के लिए बहुत ही बुरा लगता है। बस में अचानक से कुछ लोग विक्टोरिया को तंग करने लग गए। पॉल उन्हें विक्टोरिया को अकेला छोड़ने के लिए कहता है पर वो लोग मानते नहीं, उल्टा पॉल पर ही हमला करते हैं तो पॉल ने उन्हें बहुत मारा। ये सब बस ड्राइवर को अच्छा नहीं लगता तो सबको बाहर निकाल देती है। आगे का सफ़र पॉल चलते चलते ही तय करने लग गया। थोड़ी देर के बाद रोड पर विक्टोरिया उसे रोती हुई मिली। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों रुक गए। विक्टोरिया कहती है कि मेरा गांव यहाँ पर पास ही है, मेरे फादर मुझे अब मार डालेंगे। पॉल कहता है कि ऐसा हुआ क्या है। विक्टोरिया कहती कि जब मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज के प्रोफेसर से मुझे प्यार हो गया था, उन दोनों ने शादी की और जब उसे पता चला कि विक्टोरिया प्रेग्नेंट है उसके बाद वो प्रोफेसर डरकर भाग जाता है। उसे मैरिड लाइफ में बंधा हुआ नहीं रहना था। पॉल कहता है कि तुम ज़्यादा अपसेट मत हो, एक नई लाइफ इस दुनिया में आने वाली है, तुम्हारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है, इस बात को लेकर तुम्हें खुश होना चाहिए। पॉल को एक गाइड आया, वो विक्टोरिया से कहता है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड एक दिन के लिए तुम्हारे घर पर आए इसके बाद अगले दिन वो अचानक से भाग जाए तो तुम्हारे फादर तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। एक दिन के लिए मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने का नाटक कर सकता हूँ। विक्टोरिया को इस हेल्प की ज़रूरत थी तो वो भी मान जाती है। उसने कहा कि वॉर में फाइट करना तो बहुत ही टफ होगा। पॉल कहता है कि जब भी मैं डर जाता था तो मेरी फ्यूचर की लाइफ को याद करता था। उसका ड्रीम था कि उसके छोटे छोटे बच्चे हो, एक डॉग हो और एक छोटा सा घर। उसकी फैमिली उसके लिए सब कुछ थी। ये जैसे ही विक्टोरिया के घर के पास पहुंचे तो अचानक से इन पर कोई गोली चला देता है। ये और कोई नहीं था तो विक्टोरिया के फादर थे जिनका नाम है अल्बर्टो। अल्बर्टो ने विक्टोरिया से पूछा कि ये है कौन। वो जब पॉल को अपना हस्बैंड बताती है तो इस बात से अल्बर्टो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। अल्बर्टो पुराने ख्यालात के थे, वो चाहते थे जिस घर में उनकी मर्जी हो उसी घर में उनकी बेटी जाएगी। उन्हें अपना दामाद मैक्सिकन चाहिए था और वो पॉल को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। विक्टोरिया खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है पर उसने अल्बर्टो का ट्रस्ट खोया था। वो पॉल से पूछते हैं कि तुम करते क्या हो। पॉल ने कहा कि मैं चॉकलेट सेल करता हूँ। इस बात से वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे।
चॉकलेट की बात सुनकर अल्बर्टो के फादर डॉन पेड्रो फटाक से आगे आके उन्हें वो बहुत ही अच्छे लगते थे। पॉल को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। विक्टोरिया अपने मदर से कहती है, फादर समझ क्यों नहीं पाते, मेरे लाइफ के डिसीजन मेरे खुद क्यों होने चाहिए। मदर पूछती है कि क्या तुम सचमुच में उससे बहुत प्यार करती हो। विक्टोरिया हाँ कहती है। मदर ने कहा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा भी वरी मत करो। डिनर करते वक्त मदर पूछती है कि तुम दोनों मिले कैसे थे। इनकी स्टोरी में बहुत सारे डिफरेंसेस थे पर कुछ ना कुछ कर अपनी स्टोरी को बता ही देते हैं। अल्बर्टो ने पॉल के पेरेंट्स के बारे में पूछा तो पॉल कहता है कि मैं अनाथ हूँ। अल्बर्टो के बात अच्छी नहीं लगती, उसे लगता था कि आदमी को अपने एंसेस्टर के बारे में पता होना चाहिए। पॉल चॉकलेट सेल करता है, इस बात को लेकर उसने उसकी इंसल्ट कर दी। पॉल डिनर से उठकर बाहर आ गया तो विक्टोरिया भी उसके पीछे पीछे आई। वो अपने फादर के लिए सॉरी कहती है और उनसे बहुत ही तंग आ गई थी। पॉल कहता है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही केयरिंग फैमिली है, इस फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विक्टोरिया कहती है कि फादर को तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। पॉल कहता है कि अगर उनकी जगह पर मैं होता तो शायद यही करता। विक्टोरिया ने कहा कि तुम ऐसे नहीं हो। इसके बाद रात में आकर मदर इनका बेड रेडी कर कर देती है। उसने कहा कि यह बेड पुश्तों से हमारे खानदान में है, ये पहले विक्टोरिया के मदर और फादर का था और अब ये इनका हो गया। मदर कहकर जाती है, तुम्हारे फादर भी तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे, सिर्फ ज़रा वक्त लगेगा। रात में मदर ने अल्बर्टो को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, जाओ जाकर उनसे बात कर कर आओ, इस तरीके से उनसे अपसेट रहना ये बात अच्छी नहीं है। विक्टोरिया ने पॉल से पूछा, क्या तुम्हें चॉकलेट सेल करना अच्छा लगता है। पॉल ने कहा कि इस ट्रिप पर मैं ज़रा सोचने के लिए आया था, वो एक अच्छा जॉब चाहता था और लाइफ में आगे क्या करना है इस सब के बारे में सोचने वाला था। विक्टोरिया ने कहा कि तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। पॉल ने कहा कि तुम मैरिड नहीं हो, तुम समझ नहीं सकती। विक्टोरिया इस बात से अपसेट हो गए तो पॉल इसके लिए उसे सॉरी कहता है। पॉल विक्टोरिया से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विक्टोरिया ने कहा कि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ, इसके बाद मुझसे शादी कोई भी नहीं करेगा। पॉल कहता है कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पॉल नीचे सो रहा था पर अल्बर्टो इन्हें देखने के लिए आ गया तो जल्दी से वो ऊपर आ जाता है। उन्होंने नोटिस किया कि पॉल का बेड नीचे गिरा था। इनके रूम के डोर पर लॉक नहीं था तो पॉल कहता है, सेफ्टी के लिए मुझे आज रात ऊपर ही सोना चाहिए। विक्टोरिया भी इस बात के लिए मान जाती है। ये दोनों करीब आने लग गए थे पर पॉल ने खुद को रोक लिया। बीच रात में इनके फार्म से बेल्स बजने लग गए। आज बहुत ही ठंडी थी और उस वजह से उनकी ग्रेप्स में फ्रोस्ट बाइट लग रहा था। इसके लिए वो आग लगाते और उसकी हीट ग्रेप्स को दे रहे थे। पॉल अल्बर्टो से कहता है कि मैं इसके लिए हेल्प करना चाहता हूँ। वो गुस्सा होकर कहते हैं कि ये सब सिखाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। विक्टोरिया को यह आता था तो ये पॉल को सिखा देती है। ये प्लांट्स को हीट देने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वे था। ये सब करते हुए पॉल और विक्टोरिया एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। सुबह होते ही किसी को पता चलने से पहले पॉल यहाँ से जाने लग जाता है। जाते जाते उसे डॉन पेड्रो ने देख लिया। वो कहते कि मेरे साथ चलो। पॉल के चॉकलेट्स उन्हें बहुत ही पसंद आए थे। उन्होंने कहा कि आज हार्वेस्टिंग का डे है, तुम्हें आज के दिन रुक जाना चाहिए। पॉल इसके लिए मना करता है तो डॉन पेड्रो ने कहा कि अल्बर्टो ठीक कह रहा था, उसने मुझे बोला था कि तुम विक्टोरिया को छोड़कर भाग जाओगे। पॉल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो डॉन पेड्रो कहते हैं कि आज के दिन के लिए रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुके तो अल्बर्टो विक्टोरिया को बहुत डांटेगा। विक्टोरिया को पॉल को रुकता हुआ देखकर बहुत ही अच्छा लगा था। अल्बर्टो पूछता है कि क्या तुम्हें चॉकलेट नहीं सेल करने। पॉल कहता है कि फैमिली फर्स्ट आती है। हार्वेस्ट में हेल्प करने के लिए विक्टोरिया का ब्रदर भी यहाँ पर आ गया था। सब उसे देखकर बहुत ही खुश थे। वो पॉल से मिलता है, उसने अपना नाम कुछ अलग बताया। सिटी में उसने अमेरिकन नाम रख लिया था। ये बात अल्बर्टो को अच्छी नहीं लगती। अब इसके बाद ग्रेप को काटना स्टार्ट होता है और विक्टोरिया ने पॉल को सिखा दिया। उसने भी हर एक वर्गर की तरह बहुत सारे ग्रेप्स निकाले थे। ग्रेप्स निकालने के बाद ही वाइन भी थे। सब लोग बहुत ही खुश थे। डॉन पेड्रो ने पॉल से कहा, तुम एक बहुत ही अच्छे आदमी हो, अल्बर्टो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद इनका ग्रेप पर चलने का एक रिचुअल था, ये सिर्फ मैरिड कपल कर सकते थे, तो विक्टोरिया पॉल को लेकर जाती है। सब ने मिलकर डांस किया। पॉल और विक्टोरिया इन सब रस्मों में बहुत ही करीब आ गए। एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं पर पॉल ने खुद को रोक लिया। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। विक्टोरिया को बहुत बुरा लगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्टोरिया का ब्रदर अल्बर्टो को एक नए बिजनेस प्लान के बारे में बता रहा था। पॉल को भी आइडिया अच्छा लगता है तो अल्बर्टो उस पर गुस्सा हो गया। विक्टोरिया ये सब देखकर कहती है कि आपको उसे इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। अल्बर्टो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ चल रही है, रात में तुम दोनों साथ में नहीं सोते, तुम्हारे बैग में बहुत सारे कपड़े थे जैसे तुम यहाँ पर रहने के लिए आई हो। पॉल अल्बर्टो से कहता है कि सच ये है कि विक्टोरिया आप सबसे बहुत ही प्यार करती है।
वो सिर्फ आपके लिए वापस आए, वरना वो सिटी में रह सकती थी। इसके बाद पॉल यहाँ से जाने लग गया, पर उसका यूनिफॉर्म खराब था तो एक लड़की उसे भिगो देती है। विक्टोरिया को काम करते करते ज़रा तकलीफ हो रही थी तो पॉल उसे हेल्प करने लग गया। विक्टोरिया ने कहा कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुम हमेशा के लिए मुझे यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकते। वो भाग कर आगे चली गई तो पॉल भी उसका पीछा करता है। अल्बर्टो ने यह देखकर पॉल से बात की। वो कहता है, तुमने मेरी बेटी से शादी की, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। पॉल कहता है कि आप ऐसे क्यों हो, क्या अपनी बेटी को आप देख नहीं सकते? वो कितनी अमेजिंग है, कितनी ब्यूटीफुल है। जिस तरीके से आपसे प्यार करती है, उस तरीके का प्यार पाने के लिए मैं अपनी खुद की लाइफ भी दे सकता हूँ। उसे प्यार करना बहुत ही आसान है। ये सब विक्टोरिया सुन रही थी। इसके बाद पॉल यहाँ से जाने लग गया, पर डॉन पेड्रो फिर से उसे रोक लेते हैं। उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें एक विस्की पिलाता हूँ। वो समझ गए थे कि विक्टोरिया और पॉल में झगड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आदमी और औरत बहुत ही अलग अलग होते हैं। लड़कियों को सिर्फ दिल की लैंग्वेज अच्छी लगती है। उन्होंने बैंड बजाने वाले लोगों को बुला लिया। उन्होंने पॉल से कहा कि इन सब लोगों को लेकर जाकर विक्टोरिया की खिड़की के बाहर गाना गाओ। पॉल फिर ऐसा ही करता है। अगर विक्टोरिया ने अपने रूम का लाइट ऑन कर दिया, इसका मतलब है उसने पॉल को माफ़ कर दिया है। पॉल ने बहुत अच्छा गया, पर फिर भी विक्टोरिया अपना लाइट ऑन नहीं करती। पॉल डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से निकल जाता है, पर विक्टोरिया ने लास्ट मोमेंट पर अपने रूम का लाइट जलाया था, पर पॉल को इसके बारे में पता ही नहीं। अगले दिन पॉल की ट्रेन ज़रा लेट थी और सिटी में एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन था, तो सब लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। इस सेलिब्रेशन में इनकी वाइन को अप्रूव किया जाता है। वाइन लेकर विक्टोरिया पॉल के पास आई, कहती है क्यों ना हम एक टोस्ट करें, अगर ऐसे हालात ना होते तो क्या होता। इन दोनों को एक दूसरे से दूर जाना बुरा लग रहा था। तभी इनके पास अल्बर्टो प्रीस्ट को लेकर पहुंच जाता है। पॉल ने कल रात विक्टोरिया के लिए गाना गाया, तो ये सब सुनने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया था कि पॉल एक्चुअल में विक्टोरिया से प्यार करता है। वो प्रीस्ट से कहते हैं कि विक्टोरिया की शादी आज ही होगी। पॉल ने जाने से पहले विक्टोरिया को एक गिफ्ट दिया। वो कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हारी बेबी को एक गोल्ड मेडल। विक्टोरिया ने कहा कि अब मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। अल्बर्टो को सब कुछ पता चलने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था, और पॉल वहाँ से चला जाता है। घर जाते वक्त गाड़ी में पॉल सो गया। उसे एक सपना आता है। हमेशा उसका सपना वॉर के बारे में होता था। इसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होकर वो नींद से जग जाता था, पर आज उसे एक अलग सपना आया। इस सपने में उसकी शादी विक्टोरिया से हो गई है, उनका एक बेटा भी था और सब लोग बहुत खुश थे। पॉल जब सिटी में अपने घर पर वापस आया तो उसकी वाइफ बेटी किसी और के साथ थी। वो कहती कि मैंने बहुत सोचा, हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, हमारी मैरिज कभी भी वर्क नहीं करती। बेटी ने उसे शादी का अनलमेंट का एक डॉक्यूमेंट दिया, इसे साइन करने से उनका डिवोर्स हो जाएगा। उसे सॉरी कहती है, पर पॉल को बहुत अच्छा लगा। वो बिना किसी टेंशन के विक्टोरिया के पास आ सकता था। वो आकर डायरेक्टली अल्बर्टो से मिला, उन्हें वो सॉरी कहता है। उसने कहा कि वॉर से जाने से पहले मेरी शादी हुई थी, वो सिर्फ एक मजाक था, मैं विक्टोरिया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अल्बर्टो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और पॉल को मारने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो बेबी भी तुम्हारा नहीं है। पॉल ने कहा कि मैं विक्टोरिया से शादी करूंगा और फिर वो मेरा हो जाएगा। अल्बर्टो गुस्से में पॉल पर एक लैंटर्न फेंकते हैं, पर इस वजह से उनके विनयार्ड में आग लग गई। इस आग को उन्होंने बुझाने की कोशिश की, पर यह बहुत ही ज़्यादा फास्ट फैल जाती है। इस आग में विक्टोरिया का ब्रदर फंस गया था। पॉल अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचा लेता है। सब कुछ बर्बाद हो गया था। अल्बर्टो रोने लग जाते हैं। विक्टोरिया ने उन्हें सहारा दिया। अल्बर्टो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका था। डॉन पेड्रो ने कहा कि हम फिर से अब फार्मिंग नहीं कर सकते, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, हमारे पास सीड भी नहीं है। पॉल एक आर्मी ऑफिसर है और इस तरीके से हार नहीं मानता। पूरे फार्म में उसने देखा तो नीचे तक आग नहीं पहुंची थी, अभी भी ग्रेप्स के रूट्स लगे हुए थे। ये लाकर वो अल्बर्टो को दिखाता है और अल्बर्टो ने कहा कि यहाँ पर हम फार्मिंग कर सकते हैं। सब लोग ये देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने पॉल से कहा कि अब तुम हमारे फैमिली का हिस्सा हो। पॉल विक्टोरिया के पास आया, अपने चॉकलेट्स में से एक रिंग निकाल कर उसे वो पहना देता है। ये दोनों साथ में थे और सब लोग इनके लिए चीयर करते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आपका ख्याल रखिए।